श्री श्री माधुभक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला ब्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तरपते श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ एवं अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाशीघ्र प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी अभी दो दिन पहले श्री गुरु पूर्णिमा हम लोगों ने बनाया। गुरु पूर्णिमा मतलब श्री व्यास देवजी का जन्मतिथि आविर्भाव को उपलक्ष्य में हम लोगों ने हर जगह पर ये महोत्सव का हम लोगों ने मनाए। अभी प्रश्न है हम लोगों ने ये व्यास पूर्णिमा हम क्यों बनाए, ये व्यास देव हमें क्या प्रदान किया है, हम क्यों व्यास देव का चरण में हम ऋणी हैं। यदि जो व्यास देव है, यदि व्यास देव कोई साधारण नहीं, बोले व्यास नारायण स्वयं, ये व्यास देव भगवान साक्षात श्री नारायण। इसलिए भगवान की छह तरह का अवतार है। एक होता है मन्वंतर अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणा अवतार, ऐसे करके भगवान की छह तरह का अवतार है भगवान। इसलिए कृष्ण जैसे गीता में कहते हैं अर्जुन जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। मैं युग युग में जब पृथ्वी गो ब्राह्मण साधु संत गोपर में अत्याचार होने लगता है, मैं ही युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ। इसलिए विशेष करके कलियुग का प्रारंभ में श्री व्यास देव जी भी उसी तरह आए, जैसे भगवान कभी मत्स्य अवतार लिया, वेद को उद्धार किया, कभी उन्होंने कुर्मा अवतार लेकर के अपना पृष्ठभूमि पर मंदारचल पर्वत को धारण किया, कभी नरसिंह भगवान बन करके भक्तों को प्रहलाद को रक्षा किया, हिरण्यकश्यप को वध किया, जैसे रामा अवतार में रावण को उन्होंने वध किया, कृष्णा अवतार में कंस को अघासुर बकासुर को वध किया। कहते उसी तरह कहते श्री व्यास देव भी इसी जगत में आ करके उन्होंने क्या किया, कहते ये समस्त वेद ग्रंथों पुराण को उन्होंने जगत में स्थापन किया है, हैं? इसलिए ये जो व्यास देव जी भगवान की ये सत्यावेश अवतार है। भगवान कभी कभी किसी व्यक्ति के अंदर विशेष शक्ति को प्रदान करके बड़े बड़े काम, जैसे श्री प्रभुपाद आए, इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज को भी कहते ये भी एक सत्यावेश अवतार है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में हरि भक्ति को जगत में पृथ्वी में उन्होंने प्रचार और उन्होंने प्रसार किया है। आप देखना अपना बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, अपना बेटी पिता माता का बात नहीं सुनता, सुनता है नहीं सुनते, लेकिन सारा दुनिया को गले में कंठी माला तिलक दे करके सारा दुनिया को भगवान की भक्ति में लगाना कि भाई साधारण व्यक्ति का ये भाई बात नहीं है, हैं? कि साधारण व्यक्ति का ऐसा बात नहीं। इसलिए कहते श्री व्यास देव भी कहती है भगवान की ये सत्यावेश अवतार है और उन्होंने इसी जगत में आ करके बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहीता मले अपस्यम पुरुषम पूर्णम मायांच तत् अपाश्रयम द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय जुग पर जाए व्यास परातर दुगीता सभ्याम कलया है। इसलिए भगवान स्वयं व्यास देव का रूप में आ करके कहते ये द्वापर समन प्राप्ते, जब ये द्वापर युग समाप्त हुई, कलि युग का प्रारंभ होने वाले हैं, कहते उन्होंने देखा भगवान कृष्ण जब कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विषय, भगवान जब इस जगत छोड़ करके चले गए, अभी ठाकुर जी सोच रहे हैं अब तो ठाकुर जगत से चले गए, अब जीव का कल्याण कैसे होगा,
जैसे सूर्य अस्त होने पर क्या होता है, चोर गुंडे बदमाशी और भूत पिशाच इनका डर रहता है। लेकिन देखो सूरज उदय हो जाए ना, चोर का डर नहीं रहता है, भूत का डर नहीं रहता है, कोई उल्टा पुल्टा चीज की डर नहीं रहता है। इसलिए कृष्ण रूपी सूरज जब ये जगत से चले गए, अभी जो दूसरे दूसरे जो धर्म हैं ये सबके सब दूसरे दूसरे धर्म अपना सर ऊंचा करके आने लगे। और धर्म अर्थ काम मोक्ष तरह तरह का अपधर्म जगत में फैल गया। अभी फैल गया तो भगवान कलयुग में किस रूप में, तृतीय श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूप में ठाकुर जी जगत में प्रकटित हुए। इसलिए जब व्यास देव जी सारे ग्रंथों को रचना करने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली, तब नारद जी आकर उनको बताए अशांति का कारण क्या है। बोले अशांति का कारण एक ही है, कहते जथा धर्म दयाचारता मुनि वर्ज्यान कीर्तित न तथा वासुदेव स महिमा जनु वर्णित। देख बेटा इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रहा है, इसलिए शांति नहीं। बोले दूसरे दूसरे धर्म को तुम जितने बढ़ा चढ़ा कर बताया ना, जीव का जो आत्मा की जो धर्म है, जो सबई पुंसा पर धर्म जत भक्ति रधक सजे, जीव का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना, ये जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बोले क्यों? बोले जीवर स्वरूप है कृष्ण भगवान, जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का ही अंश है, उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है ईश्वर को प्रेम करना, ईश्वर को भक्ति करना ही, यही जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म। लेकिन तुमने दूसरे दूसरे ग्रंथ में पता नहीं क्या क्या तुम बोल दिया, कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान पुण्य करो, स्वर्ग में जाओ, रंभा और वैश्य के साथ में रहो, नंदन कानन में घूमो खूब, हैं सुरा पान करो, अमृत पान करो, पुण्य खत्म होते कहीं पर आ जाओ, पता नहीं तुम क्या क्या बोल दिया। इसलिए जब तक तुम दूसरों को सुख नहीं दोगे ना, कहते तुमको भी सुख नहीं मिलेगा। कहते ना जिसको अगर दूसरों को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दूसरों को दुख दोगे तो क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तुम सुख की बात बताए, जीव का आत्म कल्याण की बात बताए, यहाँ तक भी कहीं बोल दिया, यज्ञ में पशु बलि को पशुओं की हत्या की बात भी तुमने कहीं कहीं बता दिया तुमने, हैं। बोले देखो बेटा जितने सुंदर सुंदर अलंकार युक्त क्यों वाणी नहीं हो, बड़ी सुंदर सुंदर अलंकार युक्त वाणी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर उसमें ठाकुर जी की कथा नहीं हो ना, कहते वो क्या है, काक तीर्थ। कौवा का तीर्थ कहाँ होता है, जहाँ पर गंदी गंदी चीज डाल देता है ना, देना कौवा वहीं पर आकर बैठता है और उसका रसास्वादन करते हैं। लेकिन संत लोग कैसे हैं, राजहंस, संत लोग हंस है, वो क्या करते हैं। बोले ये मानस सरोवर में जो कमल फूल खिला रहता है, वो कमल फूल का जो मधु आस्वादन करते संत, मतलब वो क्या है, भगवान की कथा है, ठाकुर जी की कथा। आनंद किसमें है, भगवान की कथा में ही आनंद है, हैं कथा में ही आनंद, नहीं तो कथा को छोड़कर सब व्यथा है, कथा छोड़कर के सब व्यथा है, हैं। अब दुनिया की बात करो, दुनिया की बैठ करके ऊपर से पूछो कैसे हो, ठीक ठाक, लेकिन किसको अंदर की बात पूछ लो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई ननंद से दुखी, कोई सास से दुखी, सब दुखी दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण का दास, सुखी राम का दास है। इसलिए जीव का यही परम धर्म है, लेकिन तुमने दिल खोल करके ये सब बात को नहीं बताई है। और भगवान की मीठी मीठी प्यारी प्यारी भगवान की कथा तुमने नहीं सुनाई है, हैं? कैसे भगवान वो करके कैसे मिट्टी खाते हैं, भैया जो पूछते हैं लाला तुमने मिट्टी खाई, बोले भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, सखा सब झूठ बोलते हैं, हैं? सखा सब झूठ बोलते हैं। इसलिए कृष्ण जो मक्खन चोरी करके कैसे खाए, विश्व ब्रह्मांड का मालिक होकर के कैसे गोपियों के साथ में प्रभु मीठी मीठी रास रचाए, कैसे कृष्ण अजन्मा होते हुए भी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया, कैसे भगवान जन्म हुए ब्रजवासी, कैसे आज बिरज में होली रस्या, ये सब बात तुमने लिखी हो,
राधा रानी कैसे मान करती हैं और गोविंद देव कैसे राधा जी के चरण में झुक जाते हैं और ये मदन मोहन जी क्या करते हैं हैं राजा का मान सिंह की बेटी को हैं। जब शादी की बात चली, बैठने की आवले तब भी शादी करूँगा जब ये मदन मोहन को साथ में दोगे, नहीं तो शादी नहीं करने वाला। ठाकुर राजा तो मदन मोहन को ज़्यादा प्रेम करते थे, बोले परीक्षा करके दूंगा। बोले क्या परीक्षा करोगे? बोले सारे ठाकुर को खड़े कर दूंगा, आँखों में काला पट्टी बांध दूंगा और जिस ठाकुर को जाकर के तुम स्पर्श करके बोलोगे वही ठाकुर को दूंगा। जब उन्होंने ठाकुर जी को प्रार्थना की, ठाकुर बोले कोई चिंता नहीं, जब सब ठाकुर को शरीर में हाथ लगाते लगाते आओगे मैं तेरा हाथ पकड़ लूँगा। पता चला कि यही मदन मोहन, बस मदन मोहन जी को लेकर कहाँ चले गए? करौली चले गए हैं। बोले भगवान के इसे भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी कितने वर्षीय होते, सो बात सुना है? बोले नहीं। बोले इसलिए तो शांति सुख नहीं मिलता। अगर तुम शांति चाहते हो क्या करो, दिल खोल करके ये श्रीमद् भागवत कथा रचना करो जिसमें भक्त और भगवान कैसे वो परस्पर तत्व होते हुए भी भक्तों का प्रेम में ठाकुर जी कैसे वशीभूत हो जाते हैं। विशेष करके उन्होंने ब्रजवासियों को प्रेम में ठाकुर जी कैसे वशीभूत हो गए, ये सब कथा को तुम कल्पना करो, बस आत्मा को तुमको शांति मिले। इसलिए श्री व्यासदेव जी ने क्या किया, सुंदर सुंदर उन्होंने भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी उन्होंने भागवत ग्रंथ रचना किया और खुद को भी शांति मिला और सबको भी उन्होंने शांति दे कर गए। अगर ये व्यासदेव नहीं होते, अगर ये ग्रंथ रचना नहीं करते, गीता भागवत रामायण वेद उपनिषद नहीं करते, अभी हम जो थोड़ी बहुत जो प्रभु की भक्ति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं ये नहीं, हम पता ही नहीं चलता कि मदन मोहन कौन है, गोविंद कौन है, गोपीनाथ जी कौन है, राधा हाँ श्याम सुंदर कौन है, राधा माधव कौन है, राधा दामोदर कौन है, हमें पता ही नहीं चलता भगवान के बारे में कुछ। हम कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए, क्या कर रहे हैं, हमको पता चलता? कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए ये व्यासदेव जी आकर के भगवान स्वयं श्री व्यासदेव के रूप में आए और जगत में ये सारे ग्रंथ को रचना की, तभी हमें ये सब थोड़ी बहुत चीज कौन है, उनकी शक्ति कौन है, भगवान कौन है, माया कौन है, राधा रानी कौन है, भक्ति किया है, ज्ञान किया है, कर्म किया है, तभी ये थोड़ी बहुत हमें ये बात को पता चल रहा है हैं। इसलिए हम सबके सब श्री व्यासदेव का चरण में हम ऋणी हैं। इसलिए पृथ्वी में, हमारे भारत में, संपूर्ण पृथ्वी में क्या करते हैं, ये व्यास पूर्णिमा को, इसको सबके सब गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ये व्यास पूर्णिमा और इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। कहते हैं अभी प्रश्न होता है, व्यास पूर्णिमा का दिन नियम है, श्री व्यास जब जी जन्म हुए उनकी पूजा हमें करनी चाहिए नियम, लेकिन हम भारत में देखना सबके सब ये व्यास पूजा का दिन अपना अपना गुरु जी को सबके सब पूजा करते हैं, अपना अपना गुरु जी को पूजा करते हैं। बोले गुरु जी को क्यों पूजा करते हैं? उसी दिन व्यास पूर्णिमा, व्यास की पूजा होनी चाहिए। कहते व्यास मतलब होता है जो विस्तार करे, जैसे उन्होंने वेद को विस्तार किया, पुराण को विस्तार किया, उपनिषद को विस्तार किया, भागवत रामायण भागवत महाभारत को विस्तार किया, कहते उसी परंपरा में भी हमारे गुरुपाद पद्म भी उसी परंपरा में आए और जगत में वही काम को हमारे गुरु जी हैं वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यास देव जी कथा को सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए हम अपना गुरु जी को भी, जन्मतिथि को भी, हम लोग उसको भी व्यास पूजा कहते हैं, इसको व्यास पूजा कहते हैं। कहते व्यास पूजा का दिन लोग क्या करते हैं, साधारण रूप में लोग क्या करते हैं, जैसे फूल की माला लाते हैं, कुछ फल लाते हैं, कुछ प्रणामी लाते हैं, कुछ कपड़ा लत्ता ला करके व्यास पूजा का दिन गुरुदेव की पूजा करते हैं, गुरुदेव को पूजा करते हैं। इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन वास्तव रूप में व्यास पूजा का मतलब क्या है? कहते वास्तव रूप में ये गुरु पूजा किया है, वास्तव रूप में ये व्यास पूजा किया है। कहते ये जो कपड़ा लता फूल जो देती है औपचारिक रूप में उसको तो देनी चाहिए, लेकिन यही सब कुछ नहीं है, इसको ऊपर में भी कोई चीज है। बोले उसको ऊपर क्या चीज है? असली व्यास पूजा क्या? बोले असली व्यास पूजा उसे कहते हैं जब शिष्य
जब संपूर्ण रूप में गुरु जी के चरण में अपने आप को समर्पण करते, बोले गुरु जी आज से हम आपका ही है और आप ही हमारी है, इसलिए आमी तो तुम्हार तुम्ही तो हमार की काज अवर्धन, मैं आपका हूँ आप मेरे हो। असली व्यास पूजा कहते हैं रघुवाद का, असली व्यास पूजा है गुरुदेव की इच्छा जो अभीष्ट को जान करके इनकी जो इच्छाओं को पूरी करते हैं। अभी प्रश्न है गुरु जी क्या चाहते हैं, गुरुदेव हमें से क्या चाहते हैं, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप गदामयम ददाती स्वपदार्थ। गुरुदेव हमसे एक चीज चाहते हैं, पहले तो निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करें। गुरुदेव हमसे एक चाहते हैं हम निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करें। इसलिए गुरु जी आए क्यों जगत में, जगत में गुरुदेव क्यों आए, इसलिए विश्वनाथ कौटा कहते ना संसार दाबा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण घना घनात्व प्राप्त सकल्याण गोणार नवस वंदे गुर श्री चरणारविंद। कहते गुरुदेव कौन है, बोले भगवान की जो कृपा, भगवान का जो आशीर्वाद है, कहते भगवान का कृपा ही जब जैसे घनीभूत, जैसे मेघ घनीभूत अवस्था होकर के बारिश बरसाता है, कहते भगवान की जो करुणा है, क्योंकि हम सबके सब कौन है अमृतस्य पुत्र, हम सबके सब अमृतस्य पुत्र, हम सबके सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब हम ईश्वर के अंश है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं पिता अहम अस्य जगत दाता माता पिता। हे अर्जुन ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो पिता माता भाई बंधु कौन है, बोले ठाकुर जी है, हम सबके सब उनका औलाद है। लेकिन अभी जो हमारी असली पिता माता को हम भूल गए और नकली पिता माता भाई बंधु पकड़ लिए, अगर किसको बोलो तुम्हारे पिता माता भाई बंधु कौन है, सब ये संसार का परिचय थे, कोई बोलेगा तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु स्व सखा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम, अभी कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, इसको याद तो कर लिया, आप भी हमारे भाई बंधु पिता माता आप भी हो, लेकिन ऊपर से बोलते हैं लेकिन अंदर में और किसको पिता बना के और किसको मैया बना कर किसको भैया बना कर, लेकिन भगवान को थोड़ी छक सकते हो, सब जानते हैं ना, वो तो बोले तो ऊपर ऊपर बोल रहे तुम माता पिता भाई बंधु लगी तुम और फिर किसको बना कर रखे हो है, इसलिए असली पिता माता भाई बंधु भगवान है, इसलिए हम उनके बच्चे हैं। अभी बच्चों का दुख ना कभी पिता माता देख नहीं सकते, बच्चों का दुख नहीं देख सकते, बच्चे अगर खुश रहे तो पिता माता भी खुश रहते, मेरा बेटा ठीक ठाक है, मेरा बेटा ठीक ठाक है, कमाई कर रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, उसको सुख देख कर पिता माता सुखी हो जाते हैं। उसी तरह हम उसको बच्चे हैं, अगर हम संसार में दुख उठाएंगे ठाकुर जी को सुख हो सकते हैं, इसलिए जैव धर्म में बताए जब जीव भगवान से विमुख होकर के चला जाता है, भगवान भी उसको पीछे रो रो करके भगवान भी पीछे पीछे भागते हैं, भैया एक बार मेरे तरफ झांक कर तू तो देख, तू तो मेरे को पूरा ही भूल गया है, पूरा ही भूल गया, एक बार झांक करके देख, अरे पकड़ करके मैं तुमको ले आऊँगा। लेकिन हम उनको तरफ में देखना ही नहीं चाहते, हम उनको तरफ में देखना ही नहीं चाहते, इसलिए भगवान हमारे पीछे पीछे रो रो करके भगवान भागते हैं, रो रो करके। इसलिए भगवान क्या करते हैं, फिर उनका जो कृपा है, भगवान की जो कृपा आशीर्वाद, वो एक घनीभूत रूप धारण करके ये जगत में गुरु रूप धारण करता है जगत में दा, इसलिए संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्व, इसलिए करुणा की कृपा भगवान की करुणों का मूर्ति ही ये जगत में गुरु रूप में जगत में आते हैं। बोले क्यों, हमको अपना ठाकुर जी को पास में ले जाना ठाकुर जी चाहते हैं, और आकर के हमारे ऊपर में गुरुदेव इस जगत में आकर के हमारे ऊपर में कृपा करना चाहते हैं, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करना चाहते, इसलिए गुरुदेव कौन है, ठाकुर का कृपा ही एक मूर्ति रूप ये गुरु रूप में इस जगत में गुरुदेव आए हैं।
इसलिए भगवान इसलिए देखते हैं इनका कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो। हाँ, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं असली व्यास पूजा क्या है। इसलिए गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, गुरुदेव एक ही चीज चाहते हैं, कहते निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करें। निष्कपट होकर के भगवान की, जगत में भगवान की भक्ति करें। इसलिए जब श्री नारद जी ध्रुव महाराज को मंत्र दिया ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जब उन्होंने ये मंत्र को 6 महीना तक उन्होंने जप की और 6 महीना तक जप करते करते 6 महीना में उन्होंने भगवत प्राप्ति हो गई और वैकुंठ से रथ आया और उन्होंने सशरीर में, उनको ये शरीर भी छोड़ना नहीं पड़ा, ये सशरीर में काल का सर के ऊपर प्याल रख करके सशरीर में वैकुंठ विजय किया। जब वैकुंठ विजय कर रहे थे नारद जी, कहते 3 श्लोक में नारद जी इतने प्रसन्न होकर के बिना बजा बजा करके नाच नाच करके गा गा करके नारद जी नाच रहे थे। देखो एक व्यक्ति को मैंने ये भवसागर से पार करा के कहाँ तक ले गया, भगवान तक ले गया। इसलिए गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, निष्कपट होकर भगवान की भक्ति करें। ये एक चीज। दूसरी चीज, इसलिए नर्तक दास ठाकुर कहते हैं दूसरे चीज, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्व पदाति। इसलिए अपना गुरु जी को प्रणाम करते हैं, महाप्रभु का जो इच्छाओं को, महाप्रभु को जो इच्छाओं को जगत में जिसने प्रकटित किया है, जगत में जिसने स्थापन किया है, हैं महाप्रभु क्यों आए, किस लिए आए, क्या करना चाहते हैं जगत में, हैं महाप्रभु जीव जगत को देना क्या चाहते हैं। वो जो अनर्पित चरिचिरात जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर की वो दुर्लभ ब्रज प्रेम को, राधा रानी की निकुंज सेवा को गुरुदेव हमें देना चाहते हैं, गुरुपाद ब्रह्म है देना चाहते हैं। इसीलिए पहला काम तो भगवान की भक्ति करे और जो दूसरा काम है जगत में महाप्रभु का जो वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार करें। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक अच्छी बात कहते हैं, आप लोगों ने कोई नाव में नदी पार हुए हो, कौन कौन कभी नदी पार हुई है नाव में हाथ उठाओ, कौन कौन नदी कभी पार हुए। देखो विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या कहते हैं, जैसे हम किसी नाव से जब हम नदी पार करते हैं, जैसे नाव में बैठ करके एक किनारे से लेकर के नाव हमें दूसरे किनारे में छोड़ देता है, आप बताओ नाव कहाँ रहता है। जैसे एक किनारा से लेकर के तुम्हें दूसरे किनारे में छोड़ दिया तो नाव कहाँ रह जाती, जिधर छोड़ता है उधर रह जाता। लेकिन यहाँ विश्वनाथ जी उठा कहते हैं, लेकिन वैष्णव लोग हमारी जो गुरु परंपरा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते गुरु परंपरा, स्वयं तो नाव से पार होते हैं, स्वयं नाव से पार हो जाते हैं, लेकिन वो नाव का ना वो उधर नहीं छूटता, इधर रह जाता। जैसे नाव हमें इधर से लेकर उधर छोड़ देगा, उधर रहेगा, लेकिन वैष्णव लोग ऐसे नहीं करते हैं, वो नाव में तो पार हो ही जाते हैं, लेकिन वो नाव को उधर तक गया है लेकिन और एक नाव इधर भी छोड़ जाते हैं। कहते वो नाव कौन, बोले शिष्य है। ये शिष्य रूपी नाव को जैसे अगर हमारे गुरु जी हैं, अगर वो भी भवसागर से पार होकर चले जाते, अगर इस किनारा में अगर किसको नहीं रखते हमें कैसे पता चलता, हम कैसे नदी पार होते। मतलब है जो गुरुवर्ग है, इसलिए एक समय हमारे श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज एक बार बोल रहे थे कि गोस्वामी महाराज बोल रहे थे, बोले देखो वास्तव शिष्य कौन है। कहते जो गुरु जी की अभीष्ट को जान करके जो सेवा करे, गुरु जी की अभीष्ट को जान करके जो सेवा करे, कहते ये वास्तव शिष्य है, हैं। इसलिए जैसे एक पिताजी का एक बिजनेस है, एक बिजनेस है, पिता क्या चाहता है, मेरा ऐसे एक बेटा हो, मैं जो बिजनेस इतना दूर दूर बढ़ाया हूँ, अगर उसको बेटा पिताजी रहते अगर देखे मेरे पिता की बेटा ये बिजनेस को बहुत बढ़िया रूप में चला रहा है, उसको बढ़िया से मैंने जहाँ तक ले गया था बेटा उससे भी आगे बढ़ा रहा है, पिता क्या करेगा, कितने खुश हो जाए, खुश होकर शरीर चढ़ेगा, मैंने जो इतना कष्ट करके बिजनेस को बढ़ाया मेरे ऐसे के बेटा हुआ है ये जो बिजनेस को अच्छे तरह से देख रहे बढ़िया से। महाराज जी बोल रहे थे उस तरह हमारे बिजनेस क्या है, भक्ति करना और जगत में भक्ति को प्रचार करना। अगर कहते गुरुदेव अगर ये चीज़ को देख करके जाए, हैं नहीं मैंने ऐसे कुछ शिष्यों को बनाया, ऐसे कुछ शिष्य है स्वयं भी निष्कपट होकर भक्ति कर रहे हैं और ये भक्ति को भी सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं, प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। अगर ये चीज़ को गुरुवर देख कर जाए ना,
कहते आनंद से प्रसन्न होकर के जगत से जाते हैं। भैया भविष्य में ये बच्चा मेरा आगे एक चीज को बढ़ाएगा, इसको डुबाएगा नहीं, इसको डुबाएगा नहीं, बढ़ाएगा। ठीक समय हमारे से भक्ति वेतन नारायण गोस्वामी आज बोले, बोले देखो हम सब लोग थे, हमारे वहाँ पर जितने संन्यास लोग हम लोग थे, महाराज जी कह रहे बोले देखो मेरे से जितना हो पाया, महाराज जी मेरे से जितना हो पाया मैंने कोशिश किया है ये महापुरुष धारा को बढ़ाने के लिए और ये चीज़ को भक्ति और जगत में भक्ति प्रचार करने के लिए मेरे से जितना हो पाया मैंने इसको करके गया। अभी निर्भर करता है मैंने जब तुम लोगों को जो दिया है अभी ये चीज़ को तुम लोग कितना बढ़ाओगे और आगे कितना ले जाओगे अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो कोशिश किया अपना गुरु जी के नाम को, एक समय महाराज जी बोल रहे थे जब महाराज जी संपूर्ण विश्व में गए, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, सर्वत्र उन्होंने महाप्रभु का वाणी प्रचार किया। एक दिन महाराज बड़े खुश होकर कह रहे थे बोले जितने भी गुरुदेव नित्य है अभी भी गुरुदेव है, ऐसे नहीं गुरुदेव चले गए, अभी भी गुरुदेव है अभी, लेकिन कहते अगर सचमुच अगर पूरा प्रकट रूप में रहते हैं ना, इतना जो दुनिया में महाप्रभु का वाणी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इतना ग्रंथों को मैंने प्रकाशित कर दिया, महाराज बोल रहे थे अगर गुरुदेव होते तो हृदय से मेरे कितने आशीर्वाद देते, हृदय से हमें कितने आशीर्वाद देते, वाह कितना सुंदर शिष्य है, जो हम जो चाहते थे भजन तो किया ही है, हैं एक एक लाख दो लोग का हरिनाम तो किया है, केवल इतना नहीं और महाप्रभु का वाणी को भी सर्वत्र उन्होंने प्रचार, ये गुरुवर्ग का यही इनके हृदय की अभिष्ट है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाती स्वपदांतिकम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं, महाप्रभु को जो इच्छाओं को जगत में जो स्थापन और जगत में प्रचार किया ऐसे श्री रूप गोस्वामी को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं असली व्यास पूजा किया है, वो कहते असली व्यास पूजा किया है, वो कहते असली व्यास पूजा वो है गुरुदेव क्या चाहते हैं ये माया से संपूर्ण मन घटाओ, माया से संपूर्ण रूप में ये मन घटाओ, जो जितना दूर माया से अपना मन घटा करके जो जितना श्री गुरुपाद पद्म के चरण में जो जितने प्रभु के चरण में निष्कपट होकर के शरणागत हुआ है गुरु जी के चरण में समर्पित तो हुआ है ये संसार की माया को त्याग करके वो उतना ही गुरु पूजा किया, वो उतना ही गुरु पूजा किया। गुरुदेव तो ही चाहते हैं ना, कहते एक फूल को लेकर के ठाकुर जी के चरण में अगर चढ़ा दे बस ये फूल का जीवन सार्थक हो गया, फूल ये जीव है, अगर ये जीव को लेकर गुरुदेव श्री ठाकुर जी के चरण में अगर चढ़ा दिया तो बस काम ही हो गया। इसलिए प्रभुपाद कहते यही असली व्यास पूजा, इसी को ही व्यास पूजा करते निष्कपट होकर के हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की भजन करें, कहते इसको ही असली व्यास पूजा प्रभुपाद कहते यही असली व्यास पूजा है। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो हमारी संप्रदाय में कहते ये व्यास पूजा सर्वप्रथम किसने किया है, कहते महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, हैं महाप्रभु नवद्वीप में लीला कर रहे थे, कल व्यास पूजा है, एक दिन महाप्रभु सब भक्तों को बुलाया बोले देखो कल व्यास पूजा है, कल हम सब के सब व्यास पूजा मनाएंगे। बोले कहाँ पर व्यास पूजा मनाएंगे, बोले ये श्रीवास जी के घर है, श्रीवास पंडित के घर में हम व्यास पूजा मनाएंगे। तो महाप्रभु बोले श्रीवास लगता है तेरे ऊपर बोझ हो गया, जब घर में भक्त लोग सब आएंगे व्यास पूजा करेंगे, हैं भक्त लोगों को हाथ में देने के लिए कुछ तो प्रसाद देते हैं ना, प्रसाद देते हैं उनके लिए उत्सव करते हैं, फिर पूजा के लिए कुछ सामग्री की जरूरत है, फूल नैवेद्य और जैसे पंचामृत तो जरूरत होता है। इसलिए कल जब व्यास पूजा करेंगे लगता है तेरे सर पर बोझ आ गया, तो जिसके घर में करेंगे अगर यहाँ किसी भक्तों घर में अगर कोई उत्सव होता है
कोई गुरुपर्व का तिथि होता है, जो करते हैं उनको बताएं, हैं जो करते हैं उनको बता। जैसे प्रभु जी, क्या नाम आपका, नाम क्या? जगन्नाथ प्रभु जी। कहते इनके घर में जैसे पिछली बार और माता जी के घर में उत्सव हुआ, इनको पता है, हैं सबको लोग को बुलाना, प्रसाद बनाना, सबको खिलाना, सबको बैठाना, किस तरह करना, एक ये होता है ना दायित्व होता है, दायित्व होता है। इसलिए महाप्रभु लगता है तेरे घर में बलव्यास हुआ है, इसलिए लगता है तुम्हारी बोझ सर्वप्रथा बोझ हो गया। देखो श्रीवास पंडित क्या बोले, बोझ किस चीज के, आपका आशीर्वाद से मैं तो घर में सब कुछ है, हाँ आपका कृपा से सब कुछ घर में है, हाँ थोड़ी बड़ी जो चीज की जरूरत है उसका ले आएंगे। कल हम बड़े भाग्यवान, कल श्री व्यास पूजा होगा हमारे घर में, सारे भक्त लोग आएंगे, हरि कीर्तन होगा, हरि चर्चा होगी। साधारण भाग्य से घर में भक्त लोग नहीं आते हैं, हैं भक्त लोग नहीं आते हैं। जिस घर में भक्त लोग आए कीर्तन हरि कथा हो वो घर नहीं। भगवान क्या कहते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गृह थे गोलोक भाए। जिस दिन घर में कीर्तन भजन पूजा भक्त लोग आए वो घर भगवान का धाम, वो गोलोक वृंदावन बन जाता है, हैं। और भगवान कहते हैं मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ पर मेरे भजन पूजा कीर्तन हो वहीं पर मैं रहता हूँ। बोलते बड़ा अहोभाग्य है, कल हमारे घर में भक्त लोग आएंगे, कीर्तन भजन होगा, व्यास पूजा होगा, हम कितने भाग्यवान कल हम व्यास पूजा दर्शन करें। सबके सब खुश हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न होकर व्यास पूजा में सारे भक्त लोग आए और मृदन करताल सबके सब ला करके सबके सब बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हो कीर्तन हो रहा है, भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, आनंद महोत्सव हो रहा है। जैसे कोई एक शुभ मुहूर्त होता है, वो शुभ मुहूर्त में वो काम कर दो, काम बढ़िया होता है। अभी सब फूल माला चंदन दीप सब कुछ है, अभी वहाँ पर व्यास पूजा होगा, इतने में महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को कह रहे, बोले नित्यानंद व्यास पूजा के समय हो गया, जाओ तो व्यास का पूजा करो। लेकिन सोचो नित्यानंद प्रभु है ना, हैं बोले श्री राधा मदन मोहन की रोटी। अभी श्री नित्यानंद प्रभु अपना सर कैसे हिला रहे हैं, तो महाप्रभु का क्या सर हिला रहे हो, व्यास पूजा का समय हो गया, जल्दी जल्दी व्यास पूजा करो। हाँ नित्यानंद प्रभु का नाम ही नित्यानंद, नित्यानंद मतलब क्या, नित्य जो आनंद में डूबे रहते, कृष्ण प्रेम में जो डूबे रहते, इसलिए उनको अवधूत बताया ना, पागल हैं। अवधूत मतलब क्या, धूत मतलब धो जाना, अब मतलब जितने अपगुण जिससे संपूर्ण धूल गया है, जो संपूर्ण निर्गुण प्रे कृष्ण प्रेम की जो मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण प्रेम में पागल नित्यानंद प्रभु अपना सर को ऐसे हिला, बोले क्या जल्दी पूजा करो। जब बोले वहाँ पर जितने पूजा की सामग्री थी, फूलों की माला थी, उन्होंने क्या किया उसको ले करके ना श्री चैतन्य महाप्रभु गले में उन्होंने ये माला को डाल दी। जब माला को डाल दिया तो वहाँ पर बड़े जोर से जयकार हुआ, बोले श्री सचिनंदन गौरी की जय, जोर से बोला बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय, सबके सब जयकार दिए महाप्रभु। तो यहाँ पर प्रभुवाद कहते हैं भैया उस दिन था व्यास पूजा, व्यास पूजा मतलब क्या होता है, व्यास मतलब होता है विस्तार करना, है जो जगत में भगवत भक्ति को जो विस्तार करते हैं, पर जगत में भगवत भक्ति को विस्तार कौन करते हैं, मूल व्यास कौन है। हम लोग कहते ना कि अखंड गुरु तत्व, हम कहते ना ये अखंड गुरु तत्व है, अखंड नित्यानंद अभीर नाम गुरुदेव कहते ना नित्यानंद अभीर नाम, ये कलेवर अखंड गुरु तत्व हम कहते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु को ये अखंड गुरु तत्व श्री नित्यानंद प्रभु को बताया गया, तो उसी दिन तो श्री नित्यानंद प्रभु का पूजा होनी चाहिए, व्यास पूजा है ना, जो कथा को विस्तार करते हैं। जगत में कथा को कौन विस्तार करता है, नित्यानंद प्रभु, ये बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु है। यही जगत में कृष्ण कथा को जगत में प्रचार और प्रसार करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु, जो दस शरीर से पंच रसों से जो भगवान की सेवा करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु, जो अनंत भक्त ना एक अनंत रूप में उन्होंने क्या कर रहे हैं, भगवान की अनंत नाग पर सहने की होगी, अनंत ये अनंत क्या करते हैं, बोले अनंत मुंह से अनंत काल से
अनंत कृष्ण कथा को जगत में प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए उनका नाम एक अनंत, अनंत मतलब जो कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा की जो कभी अंत जैसे मिला नहीं है, अंत जैसे मिला नहीं, जैसे एक पक्षी आकाश कितना बड़ा है, कद उसका पंख में जितने ताकत है वो आकाश में उड़ सकती, क्यों आकाश का कोई अंत नहीं। कद उसी तरह जो कृष्ण कथा है, श्री मदन मोहन गोविंद देव का जो कथा भी अनंत है, इनकी कथा अनंत देव अनंत मुंह से भी इनकी कथा को अंत नहीं पाते, इतने कृष्ण कथा है। इसलिए उसी दिन श्री नित्यानंद गुरु का पूजा होनी चाहिए था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, श्रीमान महाप्रभु कले उन्होंने माला दे दिया। तब तो प्रभुपाद कहते हैं, देखो हम लोग कहते हैं ना हमारे गुरु जी कौन है, बोले नित्यानंद अभिन्न बलदेव अभिन्न गुरु जी। तब तो प्रभुपाद कहते भैया सब गुरु ऐसे नहीं है, सब गुरु को आप नित्यानंद गुरु का प्रकाश, बलदेव गुरु का प्रकाश नहीं कर सकते। बोले भैया किसी को कह सकते हैं, बोले उसी को हम कह सकते हैं, वही गुरुदेव नित्यानंद बलदेव अभिन्न जो नित्यानंद बलदेव का काम कर रहे हैं। ये बलदेव प्रभु को और नित्यानंद प्रभु कृष्ण अभिन्न है, केवल कृष्ण को देखने में काले और बलदेव प्रभु देखने में गोरे, इतना ही फर्क है। वे दो ही भाई एक तत्व समान प्रकाश, दोनों भाई एक तत्व है, लेकिन वो एक होते हुए भी कर रहे हैं क्या, बलदेव प्रभु कर रहे हैं क्या, दिन भर कृष्ण सेवा, गोविंद देव की सेवा, गोविंद देव का नाम, गोविंद देव की भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं करते हैं। 24 घंटा केवल गोविंद देव का ही कथा को सुनाते हैं, गोविंद देव की सेवा अभिन्न होते हुए। अगर हमारे गुरु जी ऐसे नहीं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर बोल करके स्वयं बैठ गए, बोले भगवान भगवान कुछ नहीं, सब ही हम हैं। गुरु ब्रह्मा तो ये श्लोक तो शास्त्र में है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति इस पर ना अप इसको उस श्लोक का उल्टा अर्थ कर देते हैं, बोले गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। अगर गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो गए गुरु, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहाँ जाएंगे बता, फिर ब्रह्मा कहाँ जाएंगे, विष्णु कहाँ जाएंगे और श्री महेश्वर कहाँ जाएंगे, अगर ये आग्रह हो गए। बोले नहीं, गुरुदेव क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का काम करते हैं, ब्रह्मा का काम क्या, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, गुरुदेव ही हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बीज को बो करके, हाँ कृष्ण भक्ति रूपी लता को जो जगत में प्रचार प्रसार करते हृदय में बो देते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु क्या करते हैं, बोले जगत का पालन करते हैं। फिर जगत को पालन कैसे करते हैं गुरुदेव, हमें भगवान की कथा सुना करके, ठाकुर जी की कथा सुना करके, उनकी महिमा सुना करके हैं, हमें धीरे धीरे भक्ति रास्ते में बढ़ाते हैं। गुरुदेव महेश्वर, शंकर जी का काम क्या, संहार करना, शंकर जी संहार करते हैं। गुरुदेव क्या संहार करते हैं, कहते हमारे हृदय में जो अनर्थ है, हमारे हृदय में जो पाप है, गुरुदेव क्या कहते हैं, बोले संत इवास चिंतनती मन अभ्यास संगति भी, गुरुदेव अपना कठोर रूपी पानी से हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति की जो विपरीत कामना रचना, काम क्रोध लोभ, गुरुदेव क्या करते खत्म कर देते हैं कथा रूपी वाणी में, बस वो काट देते हैं। इसलिए गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु और महेश को साथ में गुरु जी को उदाहरण दी गई। इसलिए कुछ ऐसे संप्रदाय का लोग हैं, आप लोग वृंदावन गए हो, मथुरा गए हो, जब जाओगे ना वहाँ पर देखोगे, वहीं जो एक बहुत बड़ा मंदिर देखोगे, कहते हो जो मंदिर है फिर जय गुरुदेव, कौन सा मंदिर है, आप वो मंदिर में जाओ ना, भगवान भगवान, कोई गोविंद देव नहीं, कोई मदन मोहन नहीं, कोई गोविंद देव, कोई ठाकुर बाबू नहीं, बस ठाकुर बस पास में गुरुदेव का ही फट, कोई भगवान नहीं, कहते हमारी गुरुदेव सब कुछ है, ये गुरुदेव सब कुछ है, बोले नहीं ये गड़बड़ी बात है। गुरु का काम क्या है, जैसे कि लड़का लड़की होता है ना, इसको बीच में बिचौलिया होता है, क्या होता है बिचौलिया, बिचौलिया क्या करता है, लड़का लड़की के संबंध को ये जोड़ देता है, ऐसे नहीं खुद बर बर करके लड़की से शादी नहीं कर लेता है, ऐसे नहीं वहाँ पर लड़का घटा दो और स्वयं लड़की से शादी नहीं कर लेता है, ये बिचौलिया दोनों को जोड़ते हैं, ये गुरु का काम यही है। गुरुदेव क्या करते हैं, ठाकुर जी के चरण तक पहुँचा देते हैं, कहते गुरु मतलब क्या, बोले रुकार अंदर का रुत्वात रुकार तस्य निरोधक, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके दीप आलोक को जो हृदय में जगा दे, ये गुरु का काम है। जैसे नारद जी ध्रुव जी को जब दर्शन दिए नारद जी,
कृष्ण भगवत दर्शन पहले जब मिले तब हमने किसका नाम दिया, हमने नहीं बोलना ओम नमो भगवते, भगवान का नाम दिया है। जब से नारद जी वाल्मीकि से मिले कौन सा नाम दिए, राम का नाम है। जब प्रहलाद से मिले भगवान का उन्हें सुनाए, भगवान की नारद जी सुनाए। इसलिए जब व्यास देव से नारद मिले क्या बोले उन्होंने, भगवान की जस का, भगवान की जस को तुम गाओ। ये नहीं बोले भगवान भगवान मुझने में ही सब कुछ, ऐसे बोले। हनुमान जी क्या करते हैं दिन भर किसका नाम लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम पति तपावन, भगवान का नाम लेते हैं ना। इसलिए गुरु जी का काम वह है जो बिचौलिया बन करके क्या करे, भगवान को साथ में जीव को जोड़ दे, नहीं तो ऐसे नहीं स्वयं बैठकर शादी करेंगे।